विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने बड़ा झटका दिया है। नवीन पटनायक ने साफ कर दिया कि वो थर्ड फ्रंट या गैर बीजेपी दलों के साझा राजनीतिक मंच में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही सीएम पटनायक ने ये भी साफ कर दिया है कि बीजू जनता दल यानी बीजेडी अगले साल होने वाले ओडिशा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। बता दें, नवीन पटनायक का ये बयान विपक्षी एकता को बड़ा झटका माना जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि बीते मंगलवार को ही नीतीश कुमार ने भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। ऐसे में पटनायक का ये बयान विपक्षी एकता बनाने की नीतीश कुमार की मुहिम को बड़ा झटका देगा। वे गौर करने वाली बात यह है कि ओडिशा के सीएम का ये बयान पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सामने आया, जिसकी वजह से सियासत में अटकलों की आंधी आ गई है। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता बनाने में जुटे हैं। इस कड़ी में बीते दिनों उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात भी की थी और कहा था कि हम सब का मकसद एक ही है और हम सब एकजुट है। अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। सर, अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का, विचार तो एक ही है ना भाई, देश के हित में काम करेंगे। कोई तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का, उसको बिल्कुल कायम रखेंगे। तो ये सब चीजों के लिए करेगा, इन लोग को अपना कर रहे हैं ना। इन लोग का आजादी की लड़ाई से क्या मतलब था, इनको कोई मतलब नहीं। अब वो सोच लीजिए कितना कोई काम हो रहा है अपने अपने ढंग से, नई नई चीजों का नामकरण कुछ भी होते रहता है, ये तो विचित्र बात है। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि एकदम पूरे देश को एकजुट करना है और आगे बढ़ाना है। तो अगर सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी और फिर देश सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाए हुए हैं। लिहाजा जब गुरुवार को मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या बीजेडी के तीसरे मोर्चे में शामिल होने की कोई संभावना है, इस पर सीएम का कहना था कि नहीं, जहां तक मेरा संबंध है, नहीं, अभी नहीं। इसके अलावा पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकात पर सीएम पटनायक का कहना था, हमने ओडिशा की मांगों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है, न कि किसी राजनीतिक मामले पर। उद्धव से मिलने से पहले नीतीश कुमार ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी मुलाकात की। हालांकि नीतीश से मुलाकात के बाद पटनायक का तीसरे मोर्चे में शामिल होने से इनकार करना नई आंधी को हवा दे गया।